Today we are going to start the next lesson, new lesson, subtraction. Okay, subtraction. So first we have to introduce the subtraction. Okay, so what is the symbol for subtraction? Symbol of subtraction. This is the symbol of subtraction. Okay, this is the symbol of subtraction, and this is also called the minus sign. We read it as minus. Minus. Okay, this is the minus sign or a symbol of subtraction. Okay, now see here. There are three balls. कितने balls हैं? One, two, three. Three balls. Okay. Minus. Minus. This is read as a minus. Okay. Minus two balls. Two balls is equal to. This is the symbol of is equal to. Okay. थ्री बॉल्स माइनस टू बॉल्स. थ्री में से टू बॉल्स हमें माइनस करने, तो कितने रह गए? वन टू बॉल्स हमने माइनस कर दिए, तो कितने रह गए? ओनली वन बॉल्स आर रिमेन. सो वी हैव राइट हियर वन बॉल्स. ओके, वन बॉल्स. ये टू बॉल हमने माइनस कर दिए, थ्री में से टू हमने माइनस कर दिए, तो कितने बॉल्स रह गए? ओनली वन बॉल्स इज रिमेन. ओके, नाउ 5 minus 2. 5 में से 2 subtract करने हमें, okay? So we have to draw here 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5 lines, okay? 5 में से 2 subtract करो. 1, 2, okay? Now 1, 2, 3. 3 lines are remain. So 3 minus 5 minus 2 is 3, okay? Here subtracting 0. Then we have to subtract 0 from any number. We get the same number as the answer. Okay. So see here. First example. 1 minus 0. 1 में से 0 निकाला तो कितना रहेगा? 1. Okay. 1. Second. 2 minus 0 is equal to 2. कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई भी number से, किसी भी number से आप 0 subtract करते हैं तब वही answer, वही हमें answer मिलता है. वही number हमें answer मिलता है. 11 माइनस 0 करो, 12 माइनस 0 करो, आंसर क्या आएगा? 11, 12. वही आंसर, वही नंबर, गिवन नंबर ही हमें आंसर मिलेगा. ओके, किसी भी नंबर से हम सबट्रैक्ट 0 करेंगे तो हमें आंसर वही नंबर मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट, सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर. सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर मींस 2 माइनस 2. 2 में से 2 सबट्रैक्ट करो तो आंसर क्या मिलेगा? 0. वी हैव टू ड्रॉ टू लाइंस हियर. एंड ऑल्सो माइनस टू, टू में से टू सब्ट्रैक्ट करो, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, मीन्स जीरो. ओके, थ्री माइनस थ्री करो, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. जब हम सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी हैव वी गेट द आंसर इज जीरो. ओके, ओके. So now, subtracting the single digit number. Subtracting the single digit number. Okay? This is single digit number. 5 minus 1. 5 में से 1 हमें subtract करना है. And 5 minus 1, this is the horizontal subtraction. Okay? This is the horizontal subtraction. 5 minus 1. 5 में से 1 निकालो. 5. 5 में से 1 निकालो. कितने रहेंगे? 1, 2, 3, 4 numbers. So we are right here. 4. Okay? Now next, 6 minus 2. 6 में से 2 निकालो. 6, okay? 6 में से 2 निकालो. 1, 2, okay? Now 1, 2, 3, 4. 4 numbers. So we are right here. 4, okay? Now next, 7 minus 3. 7 में से 3 निकालो. 5, 6, 7, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 में से कितने सबट्रैक्ट करने? 3, okay? 1, 2, 3, okay? कितने रह गए? 1, 2, 3, 4. 4 numbers. So, we have right here 4, okay? This is the horizontal subtraction. And see here, this is the vertical subtraction. This is the vertical subtraction. 6 minus 2. 6 में से 2 हमें सबट्रैक्ट करने. First, we have to draw here 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Now we have to draw two lines. 1, 2. 6 में से 2 हमें subtract करने हैं. तो करो 1, sorry.
सिक्स में से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, टू सब्ट्रैक्ट करने हैं. सो वन टू टू हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी कितने रहेंगे, वन टू थ्री फोर. सो वी हैव टू राइट हियर फोर. ओके सो नाउ फोर माइनस वन, फोर में से टू वन सब्ट्रैक्ट करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ हियर फोर लाइन्स, वन टू थ्री फोर. फोर में से वन सब्ट्रैक्ट करो, कितने रहेंगे, लेट्स काउंट, वन टू थ्री. सो वी हैव राइट हियर थ्री. ओके नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन यूजिंग द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन. ऑन दिस नंबर लाइन देयर आर 0 टू 10 नंबर्स. ओके देयर आर 0 टू 10 नंबर्स. सो स्टूडेंट्स सी हियर, टू ऐड दिस नंबर, टू ऐड नंबर यूजिंग नंबर लाइंस वी हैव टू जंप फॉरवर्ड, वी हैव टू जंप फॉरवर्ड. ओके देन टू सब्ट्रैक्ट नंबर, टू सब्ट्रैक्ट नंबर यूजिंग द नंबर लाइन we have to jump backward. okay we have to jump backward. okay we have to jump backward. so subtract 6 minus 2, subtract 6 minus 2. okay where is 6 number on this number line, here, here is 6 number. okay so we have to jump backward. okay we have to jump backward 2 numbers, we have to jump 2 numbers backward. From 6, we have to jump 2 numbers backward. 1, 2, 1, 2 numbers backward. So, answer is 4. Okay. Now, next. 3 minus 1. 3. Where is 3 on this number line? Here. Here is 3. Minus 1. We have to jump 1 number backward. From 3, we have to jump 1 number backward. So, answer is 2. Okay. So students, hope you all understand subtraction. Okay.